हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट एक तरीके से लास्ट कुछ दो फैक्टर्स के बारे में, जिसका नाम है रीजनल प्लान और यूज ऑफ एयरपोर्ट। बहुत ही छोटे टॉपिक्स है, कोशिश करेंगे 2 मिनट में समझने की। जो एयरपोर्ट है ना, जो एयरपोर्ट की साइट है, वो कुछ इस तरीके से हम सेलेक्ट करें ताकि वो अप्रोप्रिएटली वो फिट हो सके रीजनल प्लान के अकॉर्डिंग। रीजनल प्लान एक इस तरीके का प्लान होता है बेसिकली कि वो एक स्मूथ कंडक्शन प्रोवाइड करा सके, एक एफिशिएंट वर्किंग आपको दे सके। तो हमारा जो एयरपोर्ट की जो साइट है वो उसी तरीके से आपको अप्रोप्रिएटली आपको सेलेक्ट करनी है ताकि वो रीजनल प्लान के अकॉर्डिंग सेट हो सके। क्योंकि एयरपोर्ट जब हम बना रहे होते हैं तो वो एक तरीके का एक एयरपोर्ट नेटवर्क का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ये तो एक फैक्टर हो गया कि रीजनल प्लान एक ऐसा फैक्टर है जो कि हम कंसिडर करते हैं, और साथ ही साथ यूज ऑफ एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर या सिविलियंस ही नहीं करते हैं, मिलिट्री वाले भी करते हैं और भी अदर काम में यूज होता है। तो एयरपोर्ट को हम किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नॉर्मल चीजों के लिए कर रहे हैं या सिविलियंस कर रहे हैं, मिलिट्री वाले कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा वॉर हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, तो आप एयरपोर्ट का यूज कर लेते हो, मिलिट्री वाले उसको ओवरकम कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एयरपोर्ट का यूज किस लिए किया जा रहा है, और अगर यूज मान लीजिए इन टिपिकल सिचुएशन के लिए किया जा रहा है तो हमें कुछ इस तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। साइट कुछ इस तरीके की रखनी चाहिए कि वो नेचुरली भी प्रोटेक्ट हो सके किसी भी टाइप के एयर अटैक्स वगैरह की वॉर और के टाइम पे। तो ये कुछ दो लास्ट के फैक्टर्स थे, एक रीजनल प्लान और एक यूज ऑफ एयरपोर्ट, जो कि हमने समझने की कोशिश की और समझा भी। और इनको आप बिल्कुल भी सरल ना समझें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आते ही हैं और इनको कवर करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।